कभी मोदी जी से मिले? हाँ मिले हैं ना, दो अच्छा। दिन दो बार हमारे घर पे खाना खाए गए और झांसी रेलवे स्टेशन पर अरेस्ट हो गया था, तभी मुलायम सिंह यादव थे। और राहुल गांधी को बेकार में है ना, उसको रोजी मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी को मिलना चाहिए। बे नंबर का जो पैसा है ना, वो राहुल गांधी के पास ज्यादा है। हम यही मांगता है कि हिंदू राष्ट्र बना रहे, उसमें कोई ऐसा है ही भी नहीं कि वड़ाप्रधान बन सके। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो पक्ष जोड़ने के लिए निकले है। अच्छा। उसका पक्ष टूट जाता था, जो था वो ही बिखर गया। कहाँ से आए हो, क्या नाम आपका? बाबू भाई मेरा नाम है, गांधीनगर से हम लोग आए हैं। गांधीनगर से मोदी जी का वो गांव है। अच्छा। हाँ, आप जहाँ से आए हैं वहाँ से मोदी जी का ही गांव है? हाँ, ये वही मोदी जी का ही गांव है। अच्छा। और वो पहले मुख्यमंत्री थे ना, तभी भी वही है थे। कभी मोदी जी से मिले? हाँ मिले हैं ना, दो बार हमारे घर पे खाना खाए गए। मतलब इस तरह से आप मतलब रिलेटिव है, रिलेटिव है ऐसे। मतलब एक चीज बताइए, उनके व्यक्तित्व के बारे में, वो क्या मतलब जब मिले थे तो आपको क्या देखने में लग रहा था? पहले मोदी जी हमारे वहाँ आता था तो वो प्रचारक थे और हमारे घर पे आए थे, और आरएसएस के हमारे फादर और मोदी जी ने साथ में किया ओटीसी। अच्छा। हाँ, बुलेट पर बैठा के। ये बताइए कि यूपी में आए हैं, आपको यूपी कैसा लगा? यूपी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, यह आदित्यनाथ योगी का है ना, इसलिए कायम रहेगा। अच्छा, यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसा आपको देखने को मिली और आपको सुविधाएं यहाँ क्या दी? यहाँ पुलिस की और वो फौज की बहुत व्यवस्था लग रही है प्रयाग में। अच्छा। हाँ, पहले भी आए हैं यूपी में? नहीं, पहले नहीं आया, पहली बार आए। हाँ, पहली बार आए। कहाँ कहाँ आप लोगों को जाना है और कितने दिनों के लिए आप? हम आए अभी उज्जैन से चित्रकूट आया, चित्रकूट से इधर इलाहाबाद आया, प्रयाग से जाएंगे वो बनारस जाएंगे। सभी जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, एकजुट हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार कुछ टक्कर होगा? कुछ उसका कुछ नहीं होगा, ना उसका, मोदी के आगे कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ, ना कोई नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, क्या रीजन रहा कि आप बाकी पार्टियों को नकार रहे हैं? वो एक नहीं हो सकते है। अच्छा। हाँ, तोड़ने के लिए वो एक होते है। अच्छा। देश के तोड़ने के लिए एक होते हैं। अच्छा। बाकी वो एक वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदुओं की सोचते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मोदी जी सबका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो मोदी जी चल रहा है उसके पे। ये बताइए कि आप अयोध्या कार्य सेवक के रूप में भी गए थे? हाँ, हम गए थे, हमारे साथ रेलवे में 10,000 लोग थे और झांसी रेलवे स्टेशन पर अरेस्ट हो गया था, तभी मुलायम सिंह यादव थे सीएम में। एक चीज बताइए, आप मोदी जी के साथ प्रचारक के रूप में, संघ के प्रचारक के रूप में काम किया है, कितने वर्ष आप मतलब साथ में रहे? हमारे साबरकांठा जिला में 5 साल मोदी जी प्रचारक में थे, हम उसके साथ 22 दिन एक ही साथ रहे थे। अच्छा। 22 दिन और हमारा जिला में 5 साल रुके थे प्रचारक के लिए संघ का। मोदी जी को एक चीज़ बताएं, मोदी जी को कहा जाता है कि इस समय सिर्फ मंदिर पे ही ध्यान दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है बाकी युवाओं पे ध्यान नहीं है, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं है? आप कौन कहता है ध्यान नहीं है? विपक्ष कहती है कि वो युवाओं पे ध्यान नहीं है। सब ऊपर ध्यान है उसका। अच्छा। हाँ, वो रोजी रोटी कहाँ से निकले लोगों के, बेरोजगार नहीं हो जाता ऐसा। मतलब अगर आप मांग करें तो क्या मांग करेंगे आने वाले मतलब प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद, अगर मोदी जी आ रहे हैं तो क्या आप मांग करते हैं? हम यही मांगता है कि हिंदू राष्ट्र बना रहे, हिंदू राष्ट्र। हाँ, हिंदू राष्ट्र बना रहे। अच्छा। और क्या बोलता है, सारा विश्व में उसका भारत का डंका लगा रखे। अच्छा। हिंदू। हाँ, दूसरा है वो राहुल गांधी को बेकार में है ना, उसको रोजी मिलना चाहिए। राहुल गांधी को मिलना चाहिए रोटी, रोजी रोटी उसको। वे बेकार है, देश के लिए भी बेकार है, काम में भी नहीं बेकार है। अच्छा। हाँ, लेकिन राहुल गांधी लगाते हैं आरोप कि ये सीबीआई और ईडी अपने हाथ में लिए हैं, वोट बैंक के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करते हैं, ये राहुल गांधी बोलते हैं आप? हाँ, वो बोलते हैं, उसके पीछे वही कारण है कि उसके बे नंबर का जो पैसा है ना, वो राहुल गांधी के पास ज़्यादा है। हाँ, वो बाहर निकल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो ईडी वाला निकाल, ईडी वाला को भी मशीन लेना पड़ेगा गिनती करने के लिए। राहुल गांधी के पास इतना पैसा है? इतना पैसा है। अच्छा। बहुत साल से एक्स्ट्रा किया है उसने।
सभी पार्टियां एकजुट हुई हैं, आप किसको अगर देखा जाए तो आप उसमें से अगुआ किसको देख रहे हैं, अगर मतलब किसको देख रहे हैं कि एकजुट होने के बाद अगर उनकी आ रही है तो कौन संभाल सकता है? उसमें कोई ऐसा है ही भी नहीं, नहीं। अच्छा। कि बड़ा प्रधान बन सके, कौन है उसके पास? कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, कोई नहीं। राहुल गांधी आपको नहीं लगता? वो तो नहीं है, उसका काम ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है, वो उसका काम है, उसका घर भी तालुका पंचायत में से वो ग्राम पंचायत में से चुनकर आगे आगे उसका वहीवट करे, बाद में वड़ा प्रधान का सपना देखे। भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, क्या भारत को जोड़ पाएंगे? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो पक्ष जोड़ने के लिए निकले है। अच्छा। उसका पक्ष टूट जाता था। अच्छा। हाँ, तो वो जोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन वहां तक पहुंचे उसके पहले तो पीछे बिखेर गया सब, टूट गया जो था वो ही बिखर गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।